लड़का हो के अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। खानदानी रईस है वो रखते हैं नोकिया अपने पास, तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी, बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर, जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए कि अब तेरी बारी। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साये पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो, पैसा नहीं है जेब में हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहे। देखो एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो, अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से एक बार एक चोर को फांसी होने वाली थी, तो परंपरा के अनुसार राजा को दरबार में उसको बुलाया गया और कहा गया कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कहा सरकार, मैं गुरु की सेवा में था और उस गुरु ने मुझे कुछ मोती दिए हैं, और वो मोती ऐसे हैं जिनकी खेती की जा सकती है, अगर उन्हें खेत में लगाया जाए तो हजारों हजारों मोती पैदा होंगे, वो विधा मुझे पता है, गुरु ने मुझे सिखाया है। राजा ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी विधा है यार, मोती को जाके समंदर में खोजना पड़ता है, ये तो खेती करवा देगा, मोती वैसे आप पैदा हो गए। राजा ने कहा ठीक है, चलो तुम ऐसा करो, राजमहल में ही थोड़ी सी जगह ले लो और वहीं पर खेती शुरू करो। चोर को छोड़ा गया, मौका दिया गया, गया उसने जमीन साफ किया, सब कुछ व्यवस्था किया, सब तैयारी की, जुताई की, पूरा खेत तैयार किया। राजा, दरबारी, वजीर, सेनापति, महारानी सब खाए। राजा ने कहा कि महाराज, विद्या तो हमें पता है, लेकिन गुरु महाराज ने एक शर्त रखी थी, कहा ये मोती के बीज वही बोएंगे जिन्होंने जीवन में कभी चोरी नहीं की, और आप राजा हैं, आपसे ज्यादा साधु और ईमानदार कौन हो, इसलिए मैं चाहता हूं आप ही इसका बीज डालें। अरे राजा ने कहा नहीं यार। राजा ने पलटकर मंत्रियों को देखा, वजीर की तरफ देखा, सेनापति की तरफ देखा, महारानी की तरफ देखा, सब एक कदम पीछे हट गए। राजा ने कहा यार, इस हिसाब से तो हम सब चोर हैं। बिल्कुल, जो भी इंद्रियों पर जी रहा है वो इंद्रियगत कर्म करेगा। मैं दावे से कह रहा हूं कि 100 में से 99 अट्रैक्शन 1 से 2 महीने में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था। जहां परिचय गहरा होता है असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है झेलना बड़ा मुश्किल होता है, आपके सपने टूट जाते हैं, आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा।